चलते हैं माउंट आबू अपने टैक्स लगा गई है। ये अपने इनोवा जो उदयपुर से माउंट आबू के लिए हमने करी है 5000 में, क्योंकि जो बस वस थी सब मतलब 3 बजे तक ही थी और वो सारी निकल गई, बस तो मिली नहीं भाई, तो टैक्सी करनी पड़ी। और जो उदयपुर से माउंट आबू है वो 165 किलोमीटर है और मतलब लगभग 40-50 किलोमीटर हम आ चुके हैं। चकाचौंध शिमला से कम नहीं है यहाँ पे। भाई सीन देखो एक बार रात का कितना गजब है। ये भाई सामने है नक्की लेक।
रात को तो माहौल एक नंबर है इधर, शिमला के मॉल रोड जैसा है। मॉल रोड बहुत अच्छा है भाई। The next day. भाई 9 बज चुके हैं और घूमने के लिए आए हैं बाहर, और 9 बजे हैं इसकी वजह से हर जगह लेट करवाता है। 9 बजे भाई अभी मार्केट तो खुला नहीं है, धीरे धीरे खुलेगा। ये है भाई अपनी टैक्सी जो अपने घुमाएगी माउंट आबू। तो भाई अपनी आज की फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, गुरु शिखर। अभी दिखाते हैं आपको। ऊपर से नजारा तो बहुत बढ़िया है, एक नंबर। ये भाई गुरु शिखर का टॉप पॉइंट। भाई नीचे आ गए हैं, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। ये भाई अपनी नेक्स्ट लोकेशन, शूटिंग पॉइंट। अरे बनिए रंग गुलाबी थारो सा, बनिए रंग गुलाबी थारो, मारे बनी ने झूलन दे जो बना सेल गजरो, मारे बनी ने झूलन दे जो बना सेल गजरो। ये था भाई शूटिंग पॉइंट, अब चलते आगे अगली लोकेशन की तरफ। तो भाई वापस आ चुके हैं नक्की लेक पर। ये है भाई टोड रोक के लिए रास्ता। नक्की लेकर
अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, इसके बाद चलेंगे। दिन में तो भाई हल्का ही रहता है माहौल इधर, रात को माहौल बढ़िया होता है। दिन में तो इतनी मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो भाई माउंट आबू से आबू रोड आ चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट बैरोड। बैरोड की बस मिल चुकी है। आबू रोड से बैरोड का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ये है भाई अपनी बस। ये है भाई अपनी बस। 8:30 बज चुके हैं और अभी एक होटल पर रुकी है। और बैरोड अभी 550 किलोमीटर बच रहा है, लगभग 8 घंटे और लगेंगे। पागल है ट्रिप ये अलग, माल में फर्क नच बलिए तूने।